कैसे कैसे क्या खेलने वाले? देखिए मैं जो हमारे बिल्डिंग के आसपास जो बच्चे हैं उनके साथ मैं क्रिकेट खेलने लगा क्योंकि ये बच्चे ही हैं हमारे सामने, बाकी टीम्स है ना, तो बच्चे के साथ खेलने की प्रैक्टिस है मेरी प्रिपरेशन। कॉन्फिडेंस का राज ये है कि मेरे को पता है सामने वाले कितने भोंदू हैं। मेरे को ये अपनी अपनी टैलेंट पे मेरे को भरोसा उतना नहीं है जितना उनकी बेवकूफ़ी पे। नहीं, मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हूँ उनकी बेवकूफ़ी को लेके कि उनके बस की नहीं है। फर्क कैसे बता सकते हैं कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस? अब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। देखिए अभी तक कॉन्फिडेंट थे, अब ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। सर अगर ये चीज़ें अगर सामने वाली टीम बोल रही हो आपके लिए तो बेवकूफ़ है ना यार, वो बोल सकते हैं, उनको बोलो हमारे यूट्यूब वीडियोज़ देख के सीखो बच्चों, सीखो। वो मोहम्मद भाई की एक और वो है कि जब उनसे बात करते ना जॉर्ज फोमन से, तो जब रेफरी साइड में रूल्स होता रहा तो वो कहता है कि साइड में बोले जा रहा है तू, जब से बच्चा था ना तब से हमारे बारे में सुनता आया, तू हमें देखता हुआ आया है और कई बार सोचा कि इसके सामने जाऊं नहीं जाऊं और हर बार गीली हो गई और बैठ गया, तू आया नहीं कभी सामने, ठीक है अब तू सामने आ जा, अब कहाँ भागेगा ये। हाँ क्यों आप जो नौकरी कर रहे हैं फ्री में बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा। आप जो कमर्शियल नहीं कर रहे, आप बच्चों को शिक्षा देने के लिए, आप जो सफाई कराने के लिए कर रहे हैं, ये सवाल जो पूछ रहे हैं ये सीख सबको मिलनी चाहिए। आपको नहीं, ये एनजीओ ही है, ये एनजीओ ही है, दिस इज एनजीओ। आपको कोई कलेक्शन नहीं है हमारे पास, हमसे दोस्ती। ये लोग मुझे पैसे देते हैं टीम चलाने के लिए, ये एनजीओ है, दिस इज बेसिकली बहुत ही चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है ये। हमारी जो जेबें हैं उनको गर्म करने की चैरिटी है। और क्या जानना चाहेंगे आपसे कि जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो किस तरीके की बातें करते हैं या फिर सिर्फ मैच को लेके करते हैं? करियर मैच को लेके करते नहीं है क्योंकि हम लोग इतने कॉन्फिडेंट है अपने क्राफ्ट को लेकर और इतने ओवर कॉन्फिडेंट है उनकी बेवकूफ़ी को लेकर कि और कुछ करने का मन नहीं। अबे हमारे से टक्कर लेने आ गए, इससे बड़ी बेवकूफ़ी है कोई? अक्ल होती तो आते क्या? हाँ हर गेम में विनर्स और लूजर्स की जरूरत होती है। आप टक्कर लेना चाहेंगे कि हाँ ये टीम है जो हमारे सामने खड़ी हो सकती है? अरे बाहर यार, वो तो देखना पड़ेगा अब कौन कितने बेवकूफ है। जानना चाहेंगे कोई एक मैच आपको याद आता है जो आपको हमेशा आइडल मैच रहा होगा, आपको वो एक्साइट करता है जब भी आप देखते हो उसे यूट्यूब पे या जब भी आपने देखा हो? यार मुझे तो इंडिया के सारे मैचेस पसंद हैं और इंडिया पाकिस्तान तो वैसे भी वो मैचेस होते हैं तो सबको एक्साइट करते हैं और वैसे में बहुत ही मैं एक्साइटेबल किस्म का आदमी हूँ तो इंडिया को खेलते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया उसका लास्ट ओवर का लास्ट बॉल याद है आपको? इंडियन टीम से अगर कोई प्लेयर लेना चाहे अपनी टीम में जस्ट फॉर फन तो किसको लेना चाहिए? अभी तेंदुलकर मेरे ख्याल फ्री बैठा आजकल। मज़ाक कर रहे हैं सर, मज़ाक कर रहे हैं, उनका नाम लेने से पहले काम कर लेते भाई। थैंक यू, आपको भी थैंक यू। आप जीते हैं अपने कॉन्फिडेंस की वजह से और वो हारे अपने बेवकूफ़ी की वजह से। थैंक यू। यही छपा देना हर जगह, चोर फैला।